मैं वो हूँ जो सिर्फ जीतना चाहता था। मेरे अय्यार, कहाँ हो तुम? अय्यार कहाँ हो तुम? सैनिको जल्दी आओ यहाँ। इस खतरे को पकड़ो, मैं महाराज और महामंत्री को बुला के लाती हूँ, जल्दी। दोनों को लेके चला गया। मैं उन लोगों की रक्षा नहीं कर पाई। उमंग, उमंग। वो जो भी है, हमारे राज्य के सीमा के बाहर ना जाने पाए। नहीं जा पाएगा महाराज। क्लोर सिंह, क्लोर सिंह। सबको एक एक चुम्मा देने। पिताजी ये क्या किया आपने? आज अगर मेरा ये मुंह टूट जाता तो पता नहीं कितनी सारी ऊर परियों के दिल टूट जाते। आपने ना मेरा सपना ही तोड़ दिया। अरे तुम जिन लड़कियों के सपने देख रहे हो वो हकीकत में है ही नहीं। हमारी राजकुमारी सोनाक्षी और शताक्षी दोनों मुसीबत में है, उन्हें मदद की जरूरत है। तो फिर आजादी मेरे पास और मुझे क्या दी? क्रूर सिंह हमारी मदद करो। और फिर देखती पाताल का सीना चीर के मुसीबत के ऊपर टूट पड़ता है क्रूर सिंह। अरे क्रूर तू? अरे पिताजी आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी उनसे शादी कब करवा रहे हो? मुझे तो लगता है कि किसी ने उनका अपहरण किया है, तू जाके उनको बचा। उमंग, उमंग तेज उड़ो तेज। और कितना तेज उड़ू? छोटा मोटा जीन हूँ, गिर जाऊंगा। उमंग, मैंने महाराज जी को वचन दिया है कि मैं उन दोनों की रक्षा करूंगी। वचन तुमने दिया था, मैंने नहीं। उमंग, तुमने दोस्ती का वचन तो दिया है ना, अभी निभाओ। ठीक है। उमंग वो रहे, पीछा करो उनका जल्दी। ये मोटा जिन उस लड़की को लेकर आया जिसे कोई नहीं हरा सका, उसे एक दासी ने हरा दिया। नहीं, वीर किसी से नहीं हारता, और जो हार जाए वो वीर नहीं।
नजरें चलाने वाले खंजर नहीं चलाते। खंजर तो चल चुका। पूरी फौज हमारे पीछे है। यदि मैं पीछे हट गया तो माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? और अगर पकड़ेगा तो माँ को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ चलो। नहीं छोड़ूंगा मैं इस लड़की को, नहीं छोड़ूंगा मैं। सबका नाम खराब कर दिया। देखो देखो कैसे मुंह झुका कर खड़ा है मां के सामने। अरे अगर बेटे ने सर झुका दिया तो मां अपना सर ऊंचा कैसे रख सकती है? हाँ मेरा बेटा हार गए और तुम सब लोग देखते रह गए। वीर भूल गए विजय खड़ को विजय चाहिए पराजय नहीं। खबरदार खबरदार अगर ये बात इन चार दीवारियों के बाहर गई तो अरे लोग हंसेंगे इसके ऊपर। क्या क्या बातें करेंगे, कहेंगे बेटे ने माँ की नाक काट डाली। फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा वीर, मेरा खून जलेगा। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे कैसे कैसे ताने कसेंगे लोग, कहेंगे ये देखो विजयगढ़ का शेर हट्टा कट्टा नौजवान ये डोले शोले एक मामूली लड़की के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह गया। घबराओ मत वीर, ये जो तुम्हारी गर्दन पे चोट है ना मैं इसके खून से तुम्हारा तिलक करती जश्न मनाती। पर तुम हार गए बेटा, वो भी एक लड़की से, वो भी मैंने सुना एक मामूली दासी है। सही सुना ना वीर, टूट गए होगे ना आज अंदर से भी बिल्कुल वैसे जैसे मेरी तुझसे लगाई उम्मीद टूट गई। आज तुम्हारे अंदर का मर्द रो रहा होगा, एक लड़की से हार गए वीर। अंदर का मर्द मर गया होगा ना, है ना? माँ के हाथों की चूड़ियां मांगकर पहनने का मन कर रहा होगा ना। सवाल मेरे मन में और जवाब मेरे सामने। लोग बहुत कुछ बोलेंगे वीर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। माँ हूं तुम्हारी, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। जाओ आराम कर, जा जाके सो जा, दूध पी लेना। जा ये तुमने क्या कर दिया? इसे कहते हैं प्यार से थप्पड़ मारना। प्यार से कपड़े उतारे, प्यार की ताली बजाकर गाली भी दे। आज ये लड़का बहुत रोएगा, इसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया है मैंने, आत्मविश्वास तोड़ दिया है मैंने इसका। महाराज टूर सिंह राजकुमारी को लेकर आता ही होगा। सोनाक्षी सताक्षी पिताजी इस लड़की को निकाल दीजिए। हाँ पिताजी बताएं, हम लोग ना अपनी मर्जी से उस तैयार के साथ गए थे और तुम दोनों को बचाने के लिए इसने अपनी सारे हदें तोड़ दी और तुम्हारी वजह से दुश्मन ने सूर्यगढ़ की सीमा तोड़ दी। चंद्रकांता ये तुम्हारा इनाम। महाराज आज मेरा दोस्त उमंग नहीं होता तो मैं इन दोनों को बचा नहीं पाती, उसकी जादू की वजह से ही मैं इन लोगों की रक्षा कर पाई हूँ। उमंग ये तुम्हारा इनाम। शुक्रिया।
मीरा, उसे और नशा पिला, इस हद तक पिला कि उसके लिए उसकी हार जीत का जुनून बन जाए। वो जो सपने देख रहा है ना, उसके लिए जिद बन जाए और वो फिर जाए वहीं पर, और जो आज नहीं कर पाया वो दोबारा करे। इतना मत हसन की बुढ़िया, वरना ये पूरा नशा तेरे मुंह में उतार दूंगी। नशा तो तेरा उतरेगा आज। चुप कर, चुप हो जा, वरना आग लगा दूंगी आग। अब तू देख किस्मत का खेल, आज 21 साल खत्म, तू खत्म। आज वो तिलस्मी खंजर उसे मिलने वाला है। खंजर कहाँ मयान, वो तो उसे तब मिलेगा ना जब वो उसके सामने आएगी। वो सामने नहीं आएगी, खंजर खुद उसके सामने जाएगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, ढूंढ ले अपनी मौत को, ढूंढ ले रत्न प्रभा की बेटी को, वो वही है। पता है मुझे, लेकिन इस बार राजा अवंतीमाला उसे खुद मेरे कदमों में लाके रखेगा। वो राजा जिसे तू आज तक नहीं हरा सके। हारे, इस बार हारे, जब उसकी दोनों बेटियां मेरे कब्जे में होंगी तब एक बाप हारेगा। अब जो भी करेगा मेरा वीर करेगा। बुढ़िया, आज तू भी एक जाम पी ही ले, कम से कम तेरी ये जबान तो बंद। आजा, जा। विजय को विजय चाहिए, पराजय नहीं। खबरदार, अगर ये बात इन चार दीवारियों के बाहर गई तो। आज तुम्हारे अंदर का मर्द रो रहा होगा। एक लड़की से हार गए वीर, अंदर का मर्द मर गया है ना? मां के हाथों की चूड़ियां मांगकर पहनने का। लोग हंसेंगे इसके ऊपर, क्या बातें करेंगे नौजवान, ये डोले शोले। बेटे ने मां की नाक काटी, मामूली लड़की के सामने भाने का सिंह बन कर रह गया।
समंदर में गिर जाए तो समंदर को आग लगा दे, जला दूंगा। मां का काम करने के बाद उस लड़की को। चंद्रा, क्या मां? मां, महाराज ने मेरी वीरता से खुश होकर मुझे इनाम दिया और आप है ये मुंह फुलाए बैठी हैं। और आप खुश हो रहे? नहीं नहीं, मतलब वो ऐसा बस जब... अपनी जान को खतरे में डाल कर लाई। और तू इसी तरह अगर अपनी जान को खतरे में डालेगी ना तो एक दिन मेरी जान निकल जाएगी। तेरे लिए ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी करवा देती हूँ, बस बस। माँ देखा मामा, माँ ना मुझे धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है। ये नहीं कि बेटी का जन्मदिन है कल, उसे तो थोड़ा खुश हो लेने दो। थोड़ा तो खुश हो लेने दो माँ। बात तो सही है, पता है तुम कल 21 साल के हो जाओगी। अच्छा आप मुझे क्या खिलाने वाले हो इतने प्यारे प्यारे हाथों से? मगर मच्छ की करी और खतरों के पराठे। चलेगा? तोड़ेगा और ये चलेगा। मायावी, 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 हमारी बेटियों को किसने अगवा किया था? क्यों किया था? एक तुम्हारी नींद है जो रात भर नहीं आई, और दुश्मन का जमीन जो हर वक्त सोया रहता है, वही दुश्मन आया है। कौन? वही जो तुम्हें आज तक नहीं जीत सका। कौन? इरावती? नहीं, वक्त। सूर्यगढ़ से सूर्य का खतरा, ग्रहण लग चुका। अगले 24 घंटे बहुत भारी है। या तो तुम्हारे राज्य का उद्धार होगा या बहुत बड़ा हाहाकार होगा। वक्त का वो चक्र शुरू हो गया है, वो घड़ी आ गई है। रिमझिम, रिमझिम आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। तुझे पता है क्या हुआ है?
वो देख, वो शक्ति आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। वो तिलस्मी खंजर उसे मिल चुका है जिसके लिए वो आई थी। देख, तेरा अंत आ रहा है। ये देख सन की बुढ़िया, ये देख, मयान अब तक यही है। मैं तांत्रिका हूं, तांत्रिका, दुनिया की सबसे शक्तिशाली यारा, मेरा अंत नहीं लिखा। और ये मयान, हां तू तांत्रिका है, तेरे पास काली शक्तियां हैं, पर वो एक शक्ति सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक है। रात का अंत रोशनी करती है, तेरी रात ढल रही है क्योंकि रोशनी आ चुकी है, तेरे मयान की शक्ति जा चुकी है। मार दूंगी तुझे सन की बुढ़िया। कहा था ना, उन दोनों फुलझड़ियों को छोड़, असली स्टाफ को पकड़। मरेगी, आज तेरी शक्तियां मरी है, कल तू मरेगी। नहीं, कल वीर को जाना होगा और उस लड़की को यहां लाना होगा, हर हाल में लाना होगा। बहुत दया आ रही है तुझ पर, चल मेरा रहमो करम ले ले। वो लड़की लाखों में एक है, मिलते ही दिख जाएगी, दिखते ही मिल जाएगी। उसके बदन पर तिलस्मी खंजर का वो निशान, बेटा चंद्रा, चंद्रकांता, ये बेटा, तू बेटा, बेटा, चंद्रा, ये बेटा, बेटा उठ, चंद्रकांता उठो, आँख खोल बेटा, उठो बेटा, क्या हुआ? तू दरिया के किनारे बेहोश हो गई, क्या हुआ था? वहाँ कल रात नींद नहीं आ रही थी तो मैं दरिया किनारे चली गई। सब कुछ बहुत अजीब अजीब सा था, एक जादुई राक्षस, एक खंजर, दो औरतें जैसे लड़ रही हो, जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही हो, पता नहीं सब कुछ बहुत अजीब सा था। मां कोई बात नहीं, बुरा सपना होगा, चल अब उठ जा, आज तेरा जन्मदिन है ना, और फिर वो मगरमच्छ की करी भी तो खानी है। हाँ, पहले महल का काम, फिर माँ का प्यार। चल उठ, आ जा, धीरे। माँ का काम,
हाँ माँ, माँ क्या हुआ आपको, क्या हो गया आपको? काला जादू, तुम्हारी नाकाम कोशिश, तुम तो कुछ नहीं कर पाए पर सूर्यगढ़ ने कर दिया। आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को माँ, जला दूंगा उसे। किसने किया ये? एक लड़की ने जिसके कंधे पर खंजर का निशान है। जान से मार दूंगा उस लड़की को मैं। नहीं नहीं मारना मत, नहीं तो वो तेरी माँ को मार देगी। जादू करनी है, उसी ने ये जादू किया है, काला जादू, वही इसे काटेगी। काले जादू को काला जादू काटना है तो उसे जिंदा लेके आ। अगर ऐसा है तो माँ मैं उस लड़की को आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। सूर्यगढ़ जलता है तो जलने दो, आज आपका बेटा खाली हाथ नहीं आएगा। बेटा बल से नहीं, छल से छल को काटना। वो लड़की बहुत बड़ी जादू करनी है भी। तेरी माँ की मौत आ सकती है, तू उसे ले आ, तू नहीं आएगी। बेटा कल तक तेरा मकसद कुछ और था पर आज कुछ और है। कल तक सिर्फ वो दो राजकुमारी और, पर आज सिर्फ ये लड़की। याद है ना खंजर का निशान? जा जल्दी जा, तेरे पास वक्त बहुत कम है, उसे ढूंढ के ला। मेरा वीर उस रत्ना प्रभा की बेटी को किसी भी हालत में मेरे पास लेकर आएगा। मेरे लिए वो दुनिया में आग लगा देगा, आग। राजकुमारियों के कक्ष के बाहर सख्त पहरा बिठा दो, और अगर वो कक्ष के बाहर निकली तो तुम सब मारे जाओगे। बोला अब वक्त आ गया हमारे बेटे शिवदत्त के महल लौट के आने का। जाओ और उसे जाकर कह दो कि जग के लिए जितना जीना था जी लिए, अब उनकी जागीर उन्हें वापस बुला रही। लेकिन महाराज वो शिवदत्त तो जागीर सब छोड़कर पर्वत पे बैठे हैं और मुझे लगता नहीं कि वो लौट कर आएंगे। मायावी ने कहा है कि अगले 24 घंटे इस गढ़ के लिए बहुत भारी होंगे, इसलिए हमारे बेटे शिवदत्त को महल में लौट कर वापस आना ही होगा। देख रहा था सोनाक्षी। वो दो कौड़ी की दासी की वजह से हम अपने महल में बंदी बन गए हैं। सोनाक्षी तू चिंता मत कर, अब इस चंद्रकांता की तो ना खैर नहीं। सूर्यगढ़ में घुसने का बस एक यही रास्ता है वीर, ये तिलस्मी जंगल, यहाँ पेड़ तक जान ले लेते हैं वीर। पेड़ जंगल में दहाड़ते हैं, मरते नहीं।
अगर मुझे साथ ले आते तो अब तक जंगल पार कर जाते। जेद तुम्ही से सीखी है इसने। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो आज मेरा जन्मदिन है तो। अच्छा, तब तो और मजा आएगा। वैसे हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। वहाँ है, वहाँ। जाओ ना, ले लो जाकर। जाओ ना। Thank you.
ये तो वही लड़की है गालिम वाली। इस जंगल में पहले कोई शेर नहीं मिला क्या जो दिन दहाड़े मेरी इज्जत पे हमला? लूट लो मेरी इज्जत। वैसे भी मेरी जवानी ऐसी है कि जो सर चढ़ जाए तो कभी उतरती नहीं। सर पे चढ़ के तो वो बोलता। नहीं नहीं, अपनी नजर झुका लो, वो अपने आप चला जाएगा। वीर ने किसी इंसान के सामने नजरें नहीं झुकाई और तुम कह रही हो इस जानवर के सामने नजरें झुकाऊं? नहीं, वहां देखो एक शेर। कहाँ है शेर? वहां। हर ज्ञान भाला चला के नहीं मिलता, दिमाग चला। दिमाग से बड़े बड़े शेर भाग जाते हैं। वाह, ज्ञान हो तो ऐसा। तुम लोगों को पहले कभी तो यहाँ नहीं देखा? हम लोग यहाँ पे नए हैं। सूर्यगढ़ से कोसों दूर एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। काम के तलाश है और सूर्यगढ़ की बहुत चर्चा सुनी है। चर्चा तो होगी, अब देखो ना, वो दुष्ट रानी ईरावती बिजली बनके तांडव कर रही है हमारे राज्य पे। लेकिन फिर भी हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं छोड़ते। क्या आप हमें सूर्यगढ़ के महल तक पहुँचा देंगी? क्यों नहीं। तुम्हारे जन्मदिन पर नए मेहमान आए हैं, उत्सव जैसा लग रहा है।
कड़ी आपने लाजवाब बनाई है, लेकिन ये पानी ये बहुत कड़वा है। कहा काड़ा, आपके काड़े की तारीफ कर रहा है। आप ही ने कहा था ना कि जब जंगल में जाओ तो काड़ा पिया करो। बाबा भोला चाचा कब तक आएंगे? वो पहाड़ों में गए हैं, वो शिवदत्त के पास। महाराज ने भेजा है, वक्त लगेगा पर तुम्हारे जन्मदिन पर आ ही जाएंगे। अच्छी बात है। भोला चाचा की चहक आ गई। भोला चाचा आ गए लगता है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अपने भोले चाचा से बहुत प्यार करती है। विजयगढ़ में एक बार उन्हें बंदी बना लिया था और ये यहाँ पर खाना पीना छोड़कर बैठ गई थी। आप लोग खाना खाइए, हम भोला भैया को लेकर आते हैं, चलिए ना। अभी आया अम्मा, अभी। शिवदत्त सूर्यगढ़ की ताकत, पत्नी के मरने के बाद सन्यासी बन गया था, अभी संसार में लौट के आ रहा है। दुखी क्यों लग रहे हो? लड़की भाग गई या फिर खाना नहीं भाग? सोच रहा हूँ कि अगर ये वही भोला हुआ तो मुझे पहचान लेगा। बोला चाचा जल्दी आइए। भैया, बोला चाचा, भैया बोला चाचा, आए बोला चाचा। बोला भैया, बाबा बाबा। बोला चाचा, किसने मारा बोला चाचा को? बोला चाचा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। किसने मारा भोला चाचा? ये अंगूठी जिसकी है उसी ने मारा भोला चाचा को। ये तो मेरी अंगूठी है। चाचा, किसकी हो सकती है ये अंगूठी? भोला की हत्या हो गई? किसने की? नहीं, मैंने पूछा किसने की? तुमने? तुमने मारा ना भोला को? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैंने देखा नाव यहाँ पे आ रही थी और बोला चाचा। बस, अब जो बोलना है राज दरबार में जाकर बोलना। सिपाहियों बंदी बना लो सबको। नहीं, आप समझ लेके चलो। आप मेरी बात तो समझेंगे? मैं मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। मां से बात करने का एक वही जरिया है। अपने राज्य से इतने दूर आ गए हैं
ये पत्ती के सहारे अब बात नहीं हो सकती। वीर अब आगे क्या? आगे क्या? आगे क्या? ये बताओ कि तुमने पीछे क्या किया? मैंने कहा था तुम्हें भोला को वश में करने के लिए और तुमने हमला कर दिया उसके ऊपर। तेज, हमें किसी को जान से नहीं मारना, हमें बस इनकी याददाश्त मिटानी है ताकि ये मेरा और हम सबका चेहरा भूल जाए। एक बार याददाश्त खत्म तो फिर पकड़े जाने का डर खत्म। मैंने कहा था किसी को नहीं मारना है, कहा था ना? लेकिन वीर वो हमारे लिए खतरा था। खतरा? हमने 3 सैनिकों की याददाश्त मिटा दी, वो घर चले गए। भोला भी सब कुछ भूल के घर चला जाता, लेकिन नहीं, तुम बीच में आ गई और आज के बाद मेरे फैसले के खिलाफ गई ना तुम। हाँ, खिलाफ गई मैं, गई अपने राजकुमार के फैसले के खिलाफ, पर सिर्फ अपने राजकुमार की माँ और मेरी रानी के लिए। मुझे मेरी अंगूठी चाहिए, वो एक जादुई अंगूठी थी, मैं माँ से बात कैसे करूंगा? आप मुझे किसी भी तरह चंद्रकांता को सैनिकों से छुड़ाना ही होगा, सिर्फ और सिर्फ उस अंगूठी के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.